हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल दोस्तों राष्ट्रीय प्रोडक्शंस यानी कि द बरजात्यास डायरेक्टर सूरज बरजाता की फिल्म ऊंचाया जो इलेवंथ नवंबर को रिलीज हो रही है विथ स्टार्स द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन डैनी डैन्जोंपा अनुपम खेर बमन ईरानी नीना गुप्ता जी सारिका जी एंड परिदी चोपड़ा अब ये फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा और ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कुछ नई कहानी है चार दोस्तों की कहानी है जो उम्र मतलब एजेड लोगों की कहानी है किस तरह डैनी डेंस की मौत हो जाती है और उसकी जो अस्थियाँ होती है वो किस तरह माउंट एवरेस्ट पर जाके वो लोग मतलब वहाँ जाते हैं जो डैनी का प्यार होता है माउंट एवरेस्ट पर जाना वो मतलब उनका पैशन होता है माउंट एवरेस्ट तो हाँ अमिताभ बच्चन जी अनुपम खीर जी एंड अब्बा मनीरानी एंड कास्ट किस तरह से वो वहाँ जाते हैं उनकी जर्नी बताइए उन फ्रेंडशिप किस तरह की होती है वो बताइए तो प्लाट अच्छा अच्छा है नया है किस तरह से फिल्म डायरेक्ट की है वो जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा तो द ट्रेलर इज ओके नॉट बैड समथिंग न्यू नाउ लेट्स सी हाउ द स्क्रीन प्ले वर्क वन द फिल्म रिलीज इन थिएटर्स स्क्रीन पे मजबूत होगा तो फिल्म मज़ेदार देखने में मजा आएगा द एक्टर्स हैव डन अ गुड जॉब तो फ्रेश स्टोरी है अच्छी है देखने में मजा आया और लेजेंडा है तो और मज़ा आएगा देखने को थिएटर में 11 नवंबर को हर की जगह सूरज बर जाता है कि फिल्म उन्होंने अपना करियर मैंने प्यार के शुरू किया था विच ऑज़ अ ब्लॉक बस्टर नाइनटीन में और फिल्म सिर्फ चार थिएटर में लगी थी मुझे अभी भी याद है मुंबई में सिर्फ चार थिएटर में लगी थी तीन थिएटर में रेगुलर शोज में थी और मेट्रो में मैटनी शो में लगी थी फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉक बस्टर बनी नाइनटीन में उसके बाद हम आपके कौन आई थी आए थे क्रिएटर हिस्ट्री वो सिर्फ एक थिएटर में लगी थी लिबर्टी सिनेमा में तो आठ हफ्ते तक लिबर्टी सिनेमा में ही चली थी उसके बाद नाइन्थ विंग में इट रिलीज ऑल ओवर इंडिया तो वो बहुत बड़ी धूम मचाया था हम आप कॉन्सेप्ट को मना हिस्टोरिकल फिल्म हिस्ट्री में नाम है हम आपके कौन का और उसके बाद हम साथ साथ आई वो चली लेकिन वो उतना कमल नहीं कर पाई जितना हम आपके कौन ने किया था एक्चुअली इट वाज अ द प्लॉट वाज कॉपीड फ्रॉम 1969 की फिल्म दो रास्ते स्टारिंग राजेश खन्ना बलराज सनियन प्रेम चोपड़ा जी मुमताज जी दो रास्ते नाइनटीन राज खोसला की फिल्म वो प्लॉट और हम साथ साथ प्लॉट सेम पिक्चर है उसके बाद उनकी और एक फिल्म आई मैं प्रेम की दीवानी विच वॉज अ रीमोक रीमेक ऑफ द ओल्ड फिल्म चिचोर नाइनटीन सेवेंटी थ्री या सेवेंटी सिक्स की पिक्चर है वासु चटर्जी ने डायरेक्ट की थी अमोल पालेकर प्लेइंग ऋतिक ऋतिक बच्चन ने अमोल पालेकर का रोल किया था और अभिषेक बच्चन ने जो विजेंद्र घाट के जी ने रोल किया था वो अभिषेक बच्चन ने किया था दैट वॉज द थिंग और वो फिल्म उतनी कुछ खास नहीं चली एंड आफ्टर दैट प्रेम रतन धन पायो विच वॉज अ रीमेक ऑफ अमिताभ बच्चन 1975 ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन डॉन का प्लॉट देखो प्रेम धन पायो सेम पिक्चर चंद्र भाव ने डायरेक्ट की थी अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी अमर जी के बर्थडे पर और बहुत धूम मच गई थी थिएटर में तो वो डॉन की रिमिक थी प्रेम रंधन धन पायो देखो वही सेम प्लॉट है लेकिन वो थोड़ा एक्शन फिल्म है ये फैमिली ड्रामा बनाई लेकिन फिर ठीक ठाक चली गई थी प्रेम रतन धन धनपायो अब देखते हैं ये फिल्म कितना कमाल करती है ये ऊँचाईया कितनी ऊँचाई छूती है बॉक्स ऑफिस पे नहीं दॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन इज़ लुकिंग डैशिंग जबरदस्त लग रहे अनुभव खेर जी बॉब नीरानी अफकोर्स डैनियन डैंसो भी काफ़ी टाइम के बाद आए जबरदस्त लग रहे वो जब भी अमित जी के साथ आते धूमि फिल्म डेफिनेटली हिट होती है नाइन्टी नाइन परसेंट जैसे यादव अग्निपोतो या फिर जो उन्होंने हम फिल्म में काम किया या अंधा कानून फिल्म में बहुत सारी में काम किया ज़्यादा अगर ये फिल्म अच्छी होती है तो आई होप ये फिल्म भी अमित जी और डैनी डैनसोभा साथ में कंबाइंड उनकी जोड़ी लोगों को पसंद आए और ये फिल्म सुपर हिट हो बॉक्स ऑफिस पे तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 11th ऑफ नवंबर तीन दिन की वॉचिंग मोच चैनल बॉय बाय द मैट ने आइडल गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल